गाइस आप लोगों ने कीप को कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, लेकिन इसके मैं आपको बता दूं काफी सारे यूजेस होते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं फ्रेजल वर्ब की तरह भी वर्क करता है, टेंस में भी इसका अलग से यूज होता है और काफी सारे इसके मीनिंग भी होते हैं। तो मैं आप लोगों को आज के इस क्लास में कीप का एक बहुत ही बेहतरीन यूज बताने वाली हूँ। इसकी प्रैक्टिस हम लोग काफी अच्छे से करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दूंगी। बस आपको करना ये है कि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब भी आप किसी क्लास को देखें, किसी वीडियो को देखें, तो आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, बस आपको वहीं समझ में भी आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और गाइस बहुत ही जल्दी मेरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा सा टाइम उसमें लग रहा है, लेकिन जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, लेट्स बिगिन। अब देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कीप के मीनिंग की। देखिए मैं आपको अगर एक इसका मीनिंग बताऊं तो कीप मतलब क्या होता है, जारी रखना, कंटिन्यू करना, किसी चीज को कंटिन्यू करना, जारी रखना, ये कीप का मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका छोटा सा एक बेसिक सा यूज हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई कुछ काम कर रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि ठीक है ऐसा करते रहो, क्या कहा आपने, करते रहो, तो वहां पर आप लोग कीप प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग कीप ऑन के साथ में वर्ब में आईएनजी का यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ये हमें कब यूज करना है, जब आप किसी को ये कह रहे हैं कि लिखते रहो, बोलते रहो, मतलब कोई कुछ काम कर रहा है और आप उसको वही काम जारी रखने के लिए बोलते हैं, जैसे कि बोलते रहो, सुनते रहो, लिखते रहो, पढ़ाई करते रहो, सेंटेंसेस बनाते रहो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कीप के साथ में आईएनजी लगा देना है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बोलो, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, स्पीक, क्या बनेगा, स्पीक। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि बोलते रहो, तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग है, बोलते रहो, तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कीप स्पीकिंग। ठीक है, ये तो क्लियर है, कीप स्पीकिंग। तो ध्यान रखिए इसमें हम किसी को सिंपली ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हैं वर्ब लगाकर, लेकिन यहाँ कीप या कीप ऑन आ जाएगा जब हमें किसी को कोई काम जारी रखने के लिए बोलना है। हंसते रहो या मुस्कुराते रहो तो कीप स्माइलिंग, पढ़ाई करते रहो कीप स्टडिंग, सुनते रहो कीप लिसनिंग, या फिर सेंटेंसेस बनाते रहो कीप मेकिंग सेंटेंसेस या कीप ऑन मेकिंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब आपको करना ये है कि यही वाले स्ट्रक्चर को उठाकर टेंस में यूज कर लेना है। अब जब आप इसे टेंस में यूज करेंगे तो उसके जो स्ट्रक्चर्स का हिंदी मीनिंग होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस आप सभी ने पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगाते हैं जब हम किसी काम को करते हैं। ठीक है, जैसे मैं वहां जाती हूँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, तुम यहाँ आते हो, मैं पढ़ाती हूँ, इस तरह से। लेकिन कीप वाला जब स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होता है, या हम ये कहे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह जब वर्क करता है, तो इसका जो हिंदी होता है वो होता है करते रहो, किसी काम को करते रहो। ठीक है, जैसे करते रहते हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम किसी काम को करते रहते हैं, जैसे वह इंग्लिश बोलते रहती है, मैं पढ़ाते रहती हूँ, जारी रखते हैं उस काम को, वह सेंटेंसेस बनाते रहता है, वह बातें करते रहती है, तुम हंसते रहते हो, मैं गाना गाते रहती हूँ। तो जब आप किसी काम को करते रहते हो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद कीप या कीप्स और वर्ब में एनजी का यूज़ कर लेना है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। जैसे ही कीप्स थिंकिंग, मतलब वह सोचते रहता है। आप अगर नॉर्मल सा सेंटेंस बनाएंगे कि वह सोचता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही थिंक्स, क्या कहा आपने, वह सोचता है, ही थिंक्स, लेकिन यह चेंज क्या हुआ, वह सोचते रहता है, तो ही कीप्स थिंकिंग। वैसे ही दे कीप प्लेइंग, मतलब वे खेलते रहते हैं। अगर हमें ये बोलना हो वे खेलते हैं, तो हम बोलेंगे दे प्ले, लेकिन हमने चेंज कर दिया, हम कह रहे हैं वे खेलते रहते हैं, तो दे कीप प्लेइंग। वैसे ही हम गाना गाते रहते हैं, तो वी कीप सिंगिंग या वी कीप सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाते रहते हैं या हम गुनगुनाते रहते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल में बनाएंगे तो वी सिंग, हम गाते हैं। आई डोंट कीप प्लेइंग, मैं नहीं खेलते रहती हूँ। आप चाहे तो इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव में आपको करना यह है कि डू एंड डस नॉट का यूज करना है। क्लियर, तो आई होप आपका पहला वाला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। जब हम किसी काम को करते रहते हैं, जैसे ही कीप्स टॉकिंग, वह बातें करते रहता है।
आई कीप वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखते रहती हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा यूज है। आगे बढ़ते हैं गाइस पास्ट सिंपल टेंस पर। देखिए कीप की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है केप्ट, तो यहाँ पर हम लोग इसे पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जब हम किसी काम को करते रहे, हमने जारी रखा उस काम को पास्ट में, ठीक है, करते रहे, तो कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट हो गया और वर्ब में आईएनजी हो गया। हाँ, आप ऑन का यूज भी कर सकते हैं, कीप्स ऑन आईएनजी, केप्ट ऑन आईएनजी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए रोहित केप्ट ड्रीमिंग, रोहित सपने देखते रहा, ठीक है, यहाँ पर केप्ट का यूज हो गया। अच्छा, इसको भी हम अगर पास्ट सिंपल टेंस से कंपैरिजन करें या इसका कंपैरिजन हो, तो अगर मैं कहूँ कि आई रॉट, मैंने लिखा, और इसमें अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, मैं लिखती रही, तो आई केप्ट राइटिंग, ठीक है। या फिर हम देखें मैंने पढ़ाया तो आई टॉट, और इसमें बनेगा तो कैसे बनेगा, आई केप्ट टीचिंग, मैं पढ़ाती रही, आई केप्ट टीचिंग, मैं पढ़ाती रही, ठीक है। चलिए और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वी केप्ट बाइंग पेन्स, हम पेन्स खरीदते रहे। ही केप्ट थिंकिंग, वह सोचते रहा। डिड ही कीप स्टडिंग, क्या वह पढ़ाई करते रहा। जिस तरह से आप लोग पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, ठीक उसी तरीके से आप जब ये वाला टेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो आपको नेगेटिव में डिड नॉट और कीप का यूज कर लेना है। जैसे वह बातें नहीं करते रहा, क्या वह लिखते रहा, क्या तुम सुनते रहे, नेगेटिव में इतने मीनिंगफुल सेंटेंसेस ना बने, आप इंटरोगेटिव में बना सकते हैं, क्या आप पढ़ाई करते रहे, क्या आप वहाँ जाते रहे, क्या आप गाने सुनते रहे, इस तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की ओर, विल कीप प्लस आईएनजी, क्योंकि इसका मतलब होगा हम किसी काम को करते रहेंगे। देखिए अब करना यह है कि आपको विल कीप के साथ में आईएनजी लगा देना है, ठीक है, करते रहेंगे, फ्यूचर में आप किसी काम को करते रहेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले मैं आपको हिंदी में कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ। जैसे वह इंग्लिश बोलते रहेगा, मैं वहाँ जाते रहूँगी, तुम टीवी देखते रहोगे, कल हम सेंटेंसेस बनाते रहेंगे, वह तुमसे क्वेश्चंस पूछते रहेगा। तो जब हम किसी काम को करते रहेंगे वहाँ पर हमें विल कीप प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई नो यू विल कीप टॉकिंग इन दिस क्लास, मुझे पता है तुम इस क्लास में बातें करते रहोगे। आई नो यू विल कीप टॉकिंग इन दिस क्लास। ही विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस, वह क्वेश्चंस करते रहेगा। देखिए क्या लग गया, कीप लग गया, कीप के बाद वर्ब में क्या लग गया, आईएनजी लग गया, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। अगर यहाँ पर रहता ही विल आस्क क्वेश्चंस, मतलब वह क्वेश्चंस करेगा, लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है, वह क्वेश्चंस करते रहेगा, इसलिए हमने कहा ही विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस। वैसे ही आई विल कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, मैं नई नई चीज़ें सीखती रहूँगी, तो आई विल कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। दे विल कीप हर्टिंग यू, वे तुम्हें हर्ट करते रहेंगे, वह तुम्हें चोट पहुँचाते रहेंगे या हर्ट करते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, कोई भी आप मीनिंग समझ सकते हैं। तो दे विल कीप हर्टिंग यू, वे तुम्हें हर्ट करते रहेंगे, ठीक है। वैसे ही वह तुम्हें कॉल करते रहेगा, ही विल कीप कॉलिंग यू, या फिर मैं आंसर देते रहूंगी, आई विल कीप आंसरिंग, क्लियर। तो ये तो था गाइस मैंने आपको जो बताया टेंसेस में यूज। आप अगर एक छोटा सा एक बोल सकते हैं एक अगर आप ट्रिक से इसको समझें, तो आपको करना ये है कि कीप प्लस आप आईएनजी के यूज को समझ लें। ये आप किसी भी स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बेसिक मॉडल पढ़ाए हैं, जैसे हम लोगों ने कैन पढ़ा हुआ है, कुड पढ़ा है बेसिक मॉडल में। इस पर बेस्ट मेरा आप एक वीडियो ज़रूर देखिएगा बेसिक सा, जिसमें जो है मैंने सारे बेसिक की चीज़ें पढ़ाई है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया सारे स्टूडेंट्स ने। आप उसको जब देखेंगे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कैन कुड एंड हम इसको थोड़ा सा कुछ मॉडल्स में यूज़ करते हैं, बाकी तो आप ही यूज़ कर पाएंगे जब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से करना है। हम जानते हैं कि कैन का मतलब निकलता है सकता है, ठीक है, कुड का मतलब निकलता है सकता था, और विल बी एबल टू का मतलब क्या होता है, सकेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग कैन के साथ में कीप का यूज करेंगे और वर्ब में आईएनजी,
तो देखिए इसका मतलब क्या निकला, हम किसी काम को कर सकते हैं लेकिन कैन के साथ कीप अगर लग जाता है तो इसका मतलब ये निकलेगा कि हम किसी काम को करते रह सकते हैं। ठीक है, हम किसी काम को करते रह सकते हैं। वैसे ही अगर हम कुड के साथ कीप लगाएंगे तो कुड कीप एंड वर्ब में एनजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे सेंटेंस का हिंदी, हम किसी काम को करते रह सकते थे या करते रह सके, दोनों तरह से। वैसे ही अगर हम विल बी एबल टू में यूज़ करें तो विल बी एबल टू के साथ में आप कीप लगाएंगे प्लस वर्ब में आईएनजी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम किसी काम को करते रह सकेंगे। अभी आप पहले समझें कि मैं क्या बता रही हूँ, फिर आपको और भी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी कि किस में बनाना है, किस में ज़रूरी है, किस में हमें नहीं बनाना है, किस में अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे हम देखें कैन की वर्ब में आईएनजी करते रह सकते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे कि तुम बोलते रह सकते हो, वहाँ पर तुम क्वेश्चंस पूछते रह सकते हो, वह आंसर देते रह सकता है, हम क्रिकेट खेलते रह सकते हैं कई घंटों तक। तो जब हम किसी काम को करते रह सकते हैं ऐसे सिचुएशन में हम कैन कीप और आईएनजी के सेंटेंसेस बना लेंगे। जैसे कि ही कैन कीप आस्किंग क्वेश्चंस, वह क्वेश्चंस करते रह सकता है। आई कैन कीप टीचिंग, मैं पढ़ाते रह सकती हूँ, मतलब आप लंबे समय तक इस किसी भी काम को करते रह सकते हैं। ही कैन कीप प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलते रह सकता है। आई कैन कीप हेल्पिंग यू ऑलवेज, मैं हमेशा आपकी मदद करते रह सकती हूँ। पास्ट में बनाएंगे तो ही कुड कीप प्लेइंग, वह खेलते रह सकता था। दे कुड कीप आस्किंग क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस करते रह सकते थे। आई कुड कीप कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल करते रह सकती थी। वैसे ही फ्यूचर में बनाएंगे तो देखिए जब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके सेंटेंसेस इतने मीनिंगफुल नहीं लगेंगे, जैसे कि वह तुम्हें कॉल करते रह सकेगा, हम इंग्लिश बोलते रह पाएंगे, तुम सेंटेंसेस बनाते रह सकोगे, इतने मीनिंगफुल नहीं लग रहे। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आप इसे शुड के साथ में ऐड कर सकते हैं, शुड प्लस कीप एंड वर्ब में आईएनजी, मतलब हमें किसी काम को करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हें बोलते रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करते रहना चाहिए, तुम्हें सेंटेंसेस बनाते रहना चाहिए, हमें लिखते रहना चाहिए, इस तरह से। तो वी शुड कीप राइटिंग, हमें लिखते रहना चाहिए। तुम्हें काम करते रहना चाहिए, यू शुड कीप वर्किंग, क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए, कीप मतलब करते रहना। क्लियर, हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, वी शुड कीप प्रैक्टिसिंग। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये वाला स्ट्रक्चर किसी भी टेंस में ऐड करते हैं, किसी स्ट्रक्चर में ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और आपको एक नया सेंटेंस मिलता है। इस पर बेस्ड मेरा ऑलरेडी एक और वीडियो है, आप उससे भी देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। गाइस, ये वीडियो का पर्पज सिर्फ ये था कि आपको कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर्स में बताऊँ, प्लस कीप का जो पर्टिकुलर यूज टेंस में होता है वो मैं आपको बताऊँ। इसके अलावा भी कीप के काफ़ी सारे यूजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स में अलग होता है, प्लस ये मॉडल्स में अलग होता है इसका यूज़, तो काफ़ी सारे यूजेस हैं। लेकिन आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर लेना है। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दो कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और कोर्स से रिलेटेड जो हमारे स्पोकन के लिए कोर्स चलते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए ये दो नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस आपको अगर बुक चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी, वहाँ से आप बुक भी परचेज कर सकते हैं, बुक में पूरा कंटेंट दिया हुआ है। और बुक का ही कोर्स चाहिए जो बुक पर बेस्ड हो तो उसके लिए आप पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखेगी। आपको बुक एक्सप्लेनिंग कोर्स तो मेरी ही एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी पर मिल जाएगा, उसमें आपको बुक भी मिलेगी साथ ही साथ बुक से रिलेटेड पूरा कोर्स। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना है आपको। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।